पीतल की इतनी भी आइटम है सब मिलेगी यहाँ पर देखो। और आपको अंडा बिरयानी भी मिलेगी, और इधर भी देखोगे तो इधर भी देखें आप सैंडल को, यहाँ पर है दही बड़े मिल रहे हैं अपने। तो ये मीना बाजार के वो जायके हैं जो आपको दोपहर में भी मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे। कैसे बोलते हैं तिल्ली टिक्के पूरे ग्रेवी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, लो जी आज मीना बाजार हूँ जामा मस्जिद। आज यहाँ की क्या है, आपको पटरी मार्केट जो होती है ना वो भी शो करूँगा, और इसके साथ साथ यहाँ के जो जायके होंगे ना वो भी आपको दिखाऊँगा। भाई संडे वाला दिन है, बहुत ही ज़्यादा रश है, जामा मस्जिद पर खड़ा हूँ गेट नंबर 2 पे। तो चलते हैं देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर आप सबके लिए और हमारे लिए, और क्या क्या यहाँ पर जायके हैं। देखिए जी गेट नंबर 2 पर इस टाइम बाहर खड़ा हुआ हूँ, और मीना बाजार में आप रश देख सकते हैं पूरी मार्केट का, और यहाँ पर सब तरफ मैं आपको दिखाऊँ तो हर जगह आपको भीड़ नज़र आएगी। ये देखें चलिए जब मीना बाजार मार्केट में देखो, बिल्कुल इधर भी देख लो या इधर भी साइड में भी देख लो, आपको हर जगह यहाँ पर क्या रश, और इधर भी देखोगे तो इधर भी देखें आप सैंडल शूज कपड़े। अच्छा मोस्टली ये जो मार्केट है ना, ज़्यादातर मैं आपको बता दूँ जितने भी यूपी के लोग जो होते हैं ना वो यहाँ पर आते हैं, और ज़्यादातर वही यहाँ पर शॉपिंग करते हैं। तो मैंने सोचा कि ये भी आपको चीज़ दिखा दी जाए, बाकी हम तो चलेंगे आपको जायका दिखाने के लिए। बाकी यहाँ पर ये है, आपको हर चीज़ यहाँ पर भी मिल जाएगी। देखिए जी हुक्के भी पीतल की इतनी भी आइटम है सब मिलेगी यहाँ पर देखो। तो चलिए जी ये तो मैंने आपको मार्केट दिखाई, अब चलते हैं नीचे जो मीना बाजार असली है ना, वो नीचे वाला जो है जो जीने से उतर के जो है वहाँ चलते हैं, वहाँ पर कुछ जायके की शॉप्स हैं, तो वो जितनी भी शॉप्स हैं जायके की वो सारी कवर करूँगा और आपको दिखाऊँगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आपको अंडा बिरयानी भी मिलेगी, और यहाँ पर भाई चिकन बिरयानी भी मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं और क्या क्या है देखते हैं। अब मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ, बिल्कुल आप देखो कितना क्राउडेड है, कितने लोग आ चुके हैं यहाँ पर, और इस तरफ भी यहाँ पर जाके मिलेंगे आपको, और इस तरफ भी जाके मिलेंगे। और अगर देखो इस तरफ का अगर आपको मैं जाके दिखाऊं तो चलते हैं इधर, बस सीढ़ी से उतरते रहेंगे और आपको जाके यहाँ पर मिलते रहेंगे। देखिए पहले ही जाएगा देख लो आप यहाँ पर टिक्के और कबाब का। सलाम वालेकुम सर, ये देखें आप टिक्के देख रहे हैं। तो ये मीना बाजार के वो जायके हैं जो आपको दोपहर में भी मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे। बाकी अभी आपको दिखा रहा हूँ, फिर खाएंगे भी थोड़ी देर में। अब जैसे ही और नीचे उतरते रहेंगे तो ये देखो भाई माशाल्लाह, यहाँ पर भी वही टिक्के, ये कबाब, और लोग देख लो माशाल्लाह कितने बैठकर यहाँ पर खा रहे हैं, और ये बिरयानी। अस्सलाम वालेकुम सर, बड़े की बिरयानी है देखो जी, ये बड़े की बिरयानी है भाई साहब, और ये देख लो आप ये चिकन की बिरयानी है। वाह जी वाह। और ये क्या है सर इसमें, दलीम है भाई, देखो जी दलीम देख लो आप, दलीम है बादशाह के जमाने से चलता चला आ रही है, बहुत बढ़िया जी माशाल्लाह। चलो जी ये तो मैंने आपको दिखाई बिरयानी भी, और यहाँ पे कबाब टिक्के भी, बाकी भी और चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है भाई। और रश बहुत ज़्यादा है तो वीडियो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। देखो यहाँ पर है दही बड़े मिल रहे हैं अपने, ये देखें, और उसके बाद भाई ये शरबत है मोहब्बत, ये देखो जी भाई नीचे नीचे जैसे उतरते रहोगे ना वैसे वैसे आपको क्या यहाँ पर जायके मिलते रहेंगे। ज़्यादातर यहाँ पर भाई टिक्के और कबाब मिलेंगे आपको, ये देखो फिर टिक्के यहाँ पर कितने सारे हैं, और कबाब। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो मैं आपको यहाँ दिखा दूँ,
यहाँ पर आपको मीठे के अंदर रबड़ी, लस्सी, खीर सब मिलेगी। ये देखिए जी, तो ये मीना बाजार के भाई कुछ खास जायके हैं जो यहाँ पर ही आपको मिलेंगे। रबड़ी, मलाई, शाही खीर, लस्सी, मिल्क बादाम। दोबारा शाही खीर है, लस्सी है, मिल्क बादाम है, दही बड़ा है। देखिए जी भाई साहब, रबड़ी है, लस्सी है, शाही खीर है, दही बड़े है। तो भाई भीड़ इतनी है ना, आप ये समझ लो कि बिल्कुल भी चला भी नहीं जा रहा हूँ ना, शूट करा जा रहा है, ये समझ लो इतनी भीड़ है। हाथ इतनी ऊपर है मेरा, आप ये समझ लो। सीढ़ी ऊपर चढ़ रही हैं, इन सीढ़ियों से नीचे उतर के आ चुका हूँ। तो भाई इस दुकान पर आप देख लो, आपको चिकन बिरयानी, बफ बिरयानी, दही बड़े, हलीम सब मिलेगी। और भाई भीड़ देख रहे हैं आप, दूर तक देखें आप। तो ये मीना बाजार के वो हिडन जायके हैं जो आपने कभी नहीं देखोगे, और आपका भाई दिखा रहा है। और मार्केट यहाँ पर आप शॉपिंग के साथ साथ बढ़िया बढ़िया जायके भी ले सकते हो। तो चलो लेके चलता हूँ आपको थोड़ी और आगे। और यहाँ देख लो भाई, ये चिकन बिरयानी है, देखो ये चिकन बिरयानी देख लो आप। देखे जी, अब आप क्राउड देखें, चलने का रास्ता भी यहाँ पर नहीं है, आप ये देख रहे हैं, बिल्कुल भी रास्ता नहीं है चलने का। और कुछ जाएंगे, अगर मैं आपको यहीं से खड़े खड़े दिखा दूं तो आप भाई आप देख लेना, क्योंकि वहां पर जाना नहीं हो पा रहा मेरा। और ये देख लो आप, और भाई देखो यहाँ पर कुछ ऐसे जायके भी मिलते हैं, कैसे बोलते हैं, तिल्ली टिक्के पूरे ग्रेवी के साथ। टिक्के और कबाब तो यहाँ पर आपको मतलब समझ लो बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ये देखो एक शॉप है टिक्के की, और फिर उसके बाद एक शॉप देखो, नेक्स्ट शॉप एक और आ गई टिक्के की, और फिर उसके बाद ये भी देख लो आप। और फिर उसके साथ साथ यहाँ पर ये क्या बन रहा है भाईजान? बड़े का कबाब है भाई। देखो जी, बड़े का कबाब बन रहा है, खाते हैं इसको छोटे बड़े नवाब। बड़े 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 कबाब बन रहा है यहाँ पर। शरीफों के इलाके में आया हो एक से शरीफ, तुम्हें दिल्ली 6 में मिलेगा मीना बाजार में। तो एक से एक यूनिक जायके आपको दिखेंगे यहाँ पर। और ये देखो कितना सारा यहाँ पर क्राउड है। स्टॉक देखें आप, ह्यूज बिल्कुल। देखो जी, उसके बाद चले तो फिर एक और टिक्के की दुकान आ गई, फिर आगे चले तो फिर एक और टिक्के की दुकान आ गई भाई देखें। और माशाल्लाह हर दुकान पर आपको कस्टमर मिलेंगे ही मिलेंगे, ये देखें। तो भाई टिक्के का फ्लेवर जो कबाब का जो फ्लेवर है ना, आपको सबसे ज़्यादा मीना बाजार में मिलेगा। और कबाब देख लें भाई, माशाल्लाह। कितने की सीख है सर? एक चाचा 50 रुपए की चार, ये 50 की चार है। लो जी रेट देख रहा हूँ, 50 रुपए की चार सीख है। और टिक्के की 50 रुपए की 5 सीख है। मतलब किफायती रेट के साथ भी आपको बढ़िया जायके मिलेंगे भाई। चलिए जी भाई, मैंने आपको दिखाई मार्केट मीना बाजार की, अब इनके जायके भी मैंने आपको दिखा दिए। अब क्या है, थोड़ा सा चख लेते हैं क्या क्या जायका है, वो आप तक पहुंचाता हूं। भाई देखो, टिक्के तो मैं सब खाता रहता हूं, बाकी ये थोड़े से चखेंगे तो 2-3 कबाब लेकर क्या जायका है वो आप तक पहुँचाता हूँ इंशाल्लाह। गरम गरम बन रहा है यहाँ पर। लो जी, मीना बाजार का पहला जायका मेरे पास आ चुका है, जो बड़े के कबाब है, वो बहुत ही सॉफ्ट है ये देखो, और बाहर से क्रंची एकदम। और जिसका जो रेट है वो है 80 रुपए के 250 ग्राम पर प्लेट। मैंने तो भाई 2-3 पीस लिए हैं,
करता हूँ बिस्मिल्लाह। और ये देखो अंदर से देख लो आप, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर भाई हरी मिर्ची, अदरक, प्याज सब है, और बाहर से बहुत क्रंची है। देखते हैं कैसा जायका है। बिस्मिल्लाह, जैसे भाई रमजान में कीमे की गोलियाँ खाते हैं ना, इसका वैसे ही जायका है। अंदर से बहुत सॉफ्ट हो रहा है, बाहर से बहुत क्रंची है, चटपटा फ्लेवर है। मैं यार लगा मुझे तो बढ़िया भाई। चलो पहला जाके का टेस्ट और पहला जाके आपको दिखा दिया माशाल्लाह। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ बिरयानी बिरयानी हलीम वलीम खीर भी लपेटते हैं ज़रा। तो कबाब मैंने आपको खिला दिए बड़े के, अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से क्या है बिरयानी बड़ेगी हलीम दही बड़े सब खिलाऊंगा आपको। लो जी, मीना बाज़ार की जो सबसे बड़ी शॉप जो मुझे दिखी यहाँ पर, जहाँ बिरयानी चिकन बिरयानी सब कुछ था, वहाँ के ऑनर मेरे पास खड़े हुए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है सर? मोहम्मद अखलाक। सर कब से बेच रहे हैं मीना बाज़ार में? 80 साल हो गए। और जब से माशाल्लाह बिरयानी भलीम सब चल रही है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई देखो यहाँ पर आप भीड़ देख लो इस शॉप पर, माशाल्लाह हर जगह देख लो आप, इधर देख लो, इधर देख लो, माहौल बहुत बढ़िया है माशाल्लाह। बहुत बहुत माशाल्लाह बहुत रश है, और 80 साल पुरानी शॉप हो चुकी है चाचा ने बताया हमारे। और ये आ चुकी है हमारी भाई हलीम। सर इसका प्राइस क्या है? 40 रुपीज़। 40 रुपये? देखो जी 40 रुपये का प्राइस है इसका। और ये आ चुकी भाई देखो हमारी बिरयानी, ये बड़े की बिरयानी है। देखो जी 70 रुपये का प्राइस है इसका, और ये 40 रुपये की है। चलिए जाएगा देखते हैं क्या है। लो जी मैंने अखलाक भाई की दुकान लिया है भाई साहब हलीम और बिरयानी बढ़ेगी, देखते हैं क्या जाएगा है, क्योंकि ये बिल्कुल मुख्तलिफ सी लग रही हैं, हमारे मतलब की तो है नहीं, लेकिन देखते हैं जाएगा फिर भी क्या है। तो सबसे पहले भाई ये बिरयानी बिल्कुल सफ़ेद चावलों वाली, गोश्त बड़ेदार है भाई, बहुत नरम गोश्त हो रही है, ये देखो आप। चलो करता हूँ भाई बिस्मिल्लाह। अच्छा खुशबू जो आ रही है ना मुझे गरम मसालों की ज़्यादा आ रही है, जो खड़े मसाले होते हैं उनकी खुशबू ज़्यादा आ रही है। भाई बिरयानी नहीं है, पुलाव है, और इस पुलाव के ऊपर हलीम डाल के खाओ तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ये बिरयानी नहीं है पुलाव है, बिल्कुल खुशबूदार खड़े मसालों के साथ, कोई इतनी मिर्चें नहीं है। बढ़िया। बाकी भाई ये इनके हलीम है, हलीम देख लो आप, देखते हैं इसका क्या टेस्ट है। भाई हलीम है ना हल्की हल्की सी ना, मुझे थोड़ा सा जला हुआ जो होता है ना फ्लेवर वो आ रहा है। बाकी गोश्त की जो मिकदार है वो थोड़ी सी इसमें मुझे कम लग रही है। देखो ठीक ठाक है हलीम, अगर यहाँ के हिसाब से देखी जाए। बाकी ये जो बिरयानी बता के जो पुलाव है, ये पुलाव है और अच्छा पुलाव है, ऐसी बात नहीं है, बढ़िया लग रहा है पुलाव है। तो थोड़ी सी हलीम डालते हैं इसमें, और थोड़ा सा इसमें पीस लेते हैं, और ये बढ़िया भाई।
ये वो टिपिकल स्ट्रीट फूड है भाई, जो आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। ज़्यादा इतनी मोस्टली जो दिल्ली से बाहर की जो पब्लिक है ना, जो यहाँ आती है घूमने के लिए, वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है ऐसे जायकों को। तो आज मैंने सोचा कि आपको वही दिखाया जाए, दिल्ली से बाहर के लोगों को ज़्यादा जायके कौन से पसंद है। तो वो आते हैं मीना बाज़ार। तो चलिए, ये सब खा लिया है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं कुछ और क्या है मीना बाज़ार में हमारे लिए और आपके लिए। अब थोड़ा मीठा खाने का मन कर रहा है, तो यहाँ पर जो रबड़ी और गुलाब जामुन है ना, वो बहुत फेमस है, वो खाने चल रहा है। टाइम देखो, नीचे से आ रहा हूँ भाई, ये देखो क्राउड देख रहे हैं आप, मैं नीचे से आ रहा हूँ और अब गेट नंबर 2 जो सामने है मेरे, उसकी ओर जा रहा हूँ। और मैंने सोचा कि अब आपको थोड़ा सा मीठा दिखा दिया जाए। खाना तो मैं खा के आ गया माशाल्लाह। अब यहाँ पर देख लें, गर्मा गर्म गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, सफ़ेद गाजर का हलवा, और यहाँ पर भाई ये देखिए रबड़ी आ चुकी है और वो खीर आ चुकी है। और ये माशाल्लाह पूरा स्टॉल लगा हुआ है। नाम क्या है सर आपका? जहीर आलम। जहीर आलम भाई। और गेट नंबर 2 से बिल्कुल नीचे उतरेंगे ना, बस उल्टे हाथ पे यहाँ पर आपको पड़ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आप भाई माशाल्लाह टेम्पटिंग लग रही है, गुलाब जामुन भी, गाजर का हलवा भी। अब पास जाके आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, ये इनकी भाई रबड़ी है, जरा चला के दिखाएंगे सर। ये देखो जी, और ये आ गई इनकी खीर। लो जी, बड़ी मुश्किल से और बड़ी देर बाद एक अच्छी सी जगह मिली है मुझे बैठने की सुकून से, क्योंकि नीचे भी आप देख सकते हो किस तरह मैं खाना खाकर आया हूँ और जायके आपको मैंने कितनी भीड़ में दिखाए हैं। अब क्या है, जहीर भाई की यहाँ पर शॉप मिल चुकी है माशाल्लाह, 80 साल पुरानी शॉप है, और यहाँ पर खीर, रबड़ी और गाजर का हलवा और यहाँ पर गुलाब जामुन सब मिल रही है आपको माशाल्लाह। तो लेते हैं एक एक, थोड़ा थोड़ा चखते हैं क्या जायका है, वो आप तक पहुँचाता हूँ। लो जी, यहाँ पर मैंने ले लिए भाई खीर। अच्छा जहीर भाई, खीर का प्राइस क्या है इसका? 100 ग्राम कितने की है? 40 रुपये की 100 ग्राम खीर है भाई है, और खीर की थिकनेस भी देख लो आप माशाल्लाह। और ये रबड़ी? रबड़ी भी 60 रुपये की 100 ग्राम रबड़ी है। और गाजर का हलवा 60 रुपये का 100 ग्राम। और ये अपने गुलाब जामुन 30 रुपये की 2 गुलाब जामुन है भाई। तो सबसे पहले भाई हम लेंगे यहाँ पर भाई अपनी रबड़ी। जो वीडियो का एंड करा जाए ना, वो करा जाए मीठे से, तो मज़ा आ जाए, क्यों नहीं सर? सही बात है। हमारे यहाँ पे कुछ कश्मीरी भाई भी खड़े हुए हैं। क्या खा रहे हो? खीर कैसी लग रही है? बढ़िया है। देखो जी, बहुत बढ़िया खीर है, भाई ने बता दिया, हम भी चख लेते हैं। पहले हम चखेंगे रबड़ी, ये देखिए जी, नो डाउट बढ़िया, एकदम क्रीमी है और मीठा भी बिल्कुल बैलेंस है, मज़ेदार एकदम। अब उसके बाद ये हमारा गाजर का हलवा आ गया, ये भी 60 रुपये का 100 ग्राम है भाई, वाइट गाजर का हलवा। अच्छा, वाइट गाजर का हलवा मैंने आपको अभी 2-3 दिन पहले भी दिखाया होगा श्री भवन का, और आज मुझे ये यहाँ मिला है भाई, बहुत ही बढ़िया होता है ये। चलिए, ये आ चुका वाइट गाजर का हलवा, वाह मज़ेदार है भाई, मज़ेदार। अब ये आ चुकी हमारी खीर, 100 ग्राम खीर का प्राइस क्या था भाई? 40 रुपये की 100 ग्राम खीर है भाई। खीर का टेक्सचर सब कुछ आप देख रहे हो, आपको इसके अंदर देखो कुछ दाने दाने चावल के जो दिखते हैं, खोए के सब दिख भी हो रहे होंगे। चलिए, वाह भाई, पकी हुई है खीर, बढ़िया एकदम, मज़ेदार है। स्ट्रीट फूड के ऊपर है ना, टिपिकल स्ट्रीट फूड जैसे मीना बाज़ार हो गया, और भी कहीं होगा वहाँ पर ऐसे जाके मिल जाने तो मज़ा आया था भाई। अब ये आ चुकी है हमारी फेवरेट गुलाब जामुन, जो 15 रुपये की एक और 30 रुपये के 2 हैं। और ये पूरा एक पीस भाई, तुम्हें पता है गुलाब जामुन तो हमारी भाई मज़ेदार। वाह मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। जहीर भाई,
माशाल्लाह सारी चीज़ें बहुत बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बढ़िया। और 80 साल हो चुके इस चीज़ को, ये देख रहे हो जी, दादा पर दादा से चल रही है बिल्कुल, आप ये देख लो। और यहाँ भीड़ लगी रहती है माशाल्लाह, और जायके ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया। टाइमिंग क्या देर भाई आपकी? 12 बजे लगे रात के 9 बजे तक। तो ये दोपहर के 12 बजे से आपको यहाँ पर रात के 9 बजे तक मिलेगी, और 7 के 7 दिन मिलेगी, है ना। तो चलो भाई, ये कुछ जायके थे मीना बाजार के जो मैंने आपको दिखाए और आप तक पहुँचाया उसका जायका। बाकी भीड़ बहुत ज़्यादा थी माशाल्लाह, और अभी भी बहुत है। किस तरह वीडियो बनी है मैं जानता हूँ भाई, लेकिन आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और नेक्स्ट जायके के साथ। अल्लाह हाफिज़।